हाय गाइस फिर मैं आप सभी के साथ एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ और ये बहुत बड़ी खुशखबरी देने जा रहा हूँ आप सभी को कि जो भी छात्र जो भी स्टूडेंट दो नीट की एग्जाम से बच गए थे यानी नहीं दे पाए थे उनका एग्ज़ाम फिर दोबारा लिया जाएगा जो भी स्टूडेंट बचे हुए उनका ही एग्ज़ाम लिया जाएगा नहीं तो अभी नीट ने जारी किया था कि बारह अक्टूबर को जो भी छात्र नीट का एग्जाम दे चुके थे उनका रिजल्ट घोषित करता लेकिन उनका रिजल्ट रोक दिया गया है और उन्हीं के साथ साथ 14 अक्टूबर को जो भी स्टूडेंट बच चुके हैं उनका एग्जाम लेकर 16 अक्टूबर को रिजल्ट जारी करेगा तो सिंपली मैं आपको ये भी दिखा दूँ सबूत के साथ दिखाऊँ ताकि आपको झूठ ना लगे देखिए मौका नीट से छूटे छात्र चौदह अक्टूबर को दे पाएंगे परीक्षा उच्च न्यायालय ने सोमवार को निर्देश दिया कि कोरोना महामारी के कारण 13 सितंबर को मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट जो भी छात्र छात्रा नहीं दे पाए छात्रों की परीक्षा 14 अक्टूबर को ली जाएगी साथ ही इस परीक्षा का नतीजा यानी रिजल्ट 16 अक्टूबर को जारी कर दिया जाएगा विभिन्न कंटेनमेंट जोन में जो भी छात्र छात्राएं कंटेनमेंट जोन में फंस चुके थे और नहीं दे पाए थे उन्हें जस्टिस के पास आग्रह किया गया और उन्होंने आदेश दे दिया है तो चलिए अब नीट का परीक्षा परिणाम सोलह अक्टूबर को जारी होगा कंटेनमेंट जोन में फंस गए छात्र नहीं दे सके थे परीक्षा यानी जो भी छात्र छात्राएं कंटेनमेंट जोन में फंसे थे वो नहीं दे पाए थे उनके लिए फिर से मौका मिल गया है कि न्यायालय ने फिर दोबारा उनको एग्ज़ाम देने के लिए तैयार कर दिया है और आप सभी बहुत खुश हो जाएं कि आप सभी का एग्ज़ाम लिया जाएगा और रिजल्ट दो दिन बाद ही घोषित कर दिया जाएगा तो आज की वीडियो में बस मैं इतना ही लेकर आया था एक छोटा सा वीडियो आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा फिर कि इसी तरह आपको इस हमारे चैनल के द्वारा इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहेगी और हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए तब तक के लिए खुदा हाफिज असलकम